कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ हसल के ऊपर ही वीडियो क्यों बनाता है, कभी रोडीज के ऊपर या बिग बॉस के ऊपर भी वीडियो बनाकर। लेकिन भाई देखो, मैं शांति से बता देता हूँ आराम से, मुझे म्यूजिक और रैप्स पसंद है, मैं हमेशा सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे 10 साल हो गए रैप सुनते हुए। और रही बात बिग बॉस की, तो उसमें जो चूतिया पे हैं, जो गोदम वगैरह है, जो भाई लड़ाई झगड़े हैं, मुझे उनसे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनसे दूर रहता हूँ। मैं मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं देखता हूँ ऐसे फालतू चीज़ें। और जो चीज़ यार नॉलेजेबल हो, मतलब मुझे नॉलेज तो नहीं होगा लेकिन सॉन्ग्स पसंद है यार, इसलिए मैं सॉन्ग्स सुनता हूँ। तो आज हम बात करेंगे हसल के वीक 5 की और एपिसोड 10 की। तो इसमें कौन कौन अच्छा परफॉर्म किया है और कौन इस शो से आज बाहर हो गया है, उसकी बात हम स्पेशली करेंगे। तो चलिए वीडियो शो करते हैं, लेट्स गो। 0-3 रिप्रेजेंट पर थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, मिलने वाली है पंच लाइंस और होने वाली है वॉर ऑफ वर्ड्स। I tell it like it is. अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने हसल शो के कुछ एपिसोड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, और आज मैं डायरेक्ट बात करूंगा वीक 5 के एपिसोड 10 की। तो पहले जो आर्टिस्ट है उनका नाम है विजय दादा, जिसने चिन्नम्मा अजीब सा नाम है ना, इसके ऊपर सॉन्ग गाया है, मतलब इसी नाम का सॉन्ग गाया है। तो चलिए देखते हैं इस सॉन्ग को। इस सॉन्ग को सुनने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपके किसी के पल्ले पड़ा होगा, क्योंकि ये तमिल सॉन्ग है भाई, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो, क्योंकि इसने तमिल और हिंदी दोनों को कंबाइन में गाया है, और ये आसान नहीं होता हकीकत में, और अच्छा परफॉर्म किया इसने। लेकिन इसके बैकग्राउंड म्यूजिक वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, कुछ तो कमी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कमी है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और ना मुझे ये गाना पल्ले पड़ा है, तो मैं इस गाने के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। लोग स्टेज पर इतने खुश हो रहे हैं, इतने नाच रहे हैं, भाई मैं उनसे ये पूछूंगा तुम्हें ये सॉन्ग पल्ले पड़ा है, तुम्हें इसका मतलब भी आता है? इनमें से कईयों को तो तमिल ही नहीं आती होगी भाई, पता नहीं फालतू में स्टेज के ऊपर क्यों कूद रहे हैं जब इनको तमिल ही नहीं आती। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, हम दूसरे आर्टिस्ट की बात करते हैं। तो दूसरे आर्टिस्ट का नाम है उदय, जिसने नसीब सॉन्ग प्रेजेंट किया है, और वो भी बहुत शानदार। तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। मुझसे आखिरी बार आज मिले, मैं गुनाह सारे मान लूंगा, मेरे सामने वो बोली कुछ ना बदल सकता, एक दिन में वहीं पर वो लेकर एक तराजू 6 साल। अगर मैं उदय के बारे में बताऊं तो उदय हसल 0-3 का सबसे छोटा आर्टिस्ट है, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, और भाई इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना ये बहुत आसान बात नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तुम बस सुन लेते हो सॉन्ग्स को और सोचते हो कि यार इसने तो गलत गाया है, इसने तो खराब गाया है, भाई उसकी उम्र देखो, उसको कितना एक्सपीरियंस है वो भी देखो। तो इसके सॉन्ग्स की बात करूँ तो ये भाई माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है, इसका जो साइलेंस वॉइस है मुझे अट्रैक्ट करता है, और भाई सही बताऊँ तो मुझे साइलेंस वॉइस सॉन्ग, मुझे मतलब सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैं ज़्यादा उनको कनेक्ट कर पाता हूँ, इसलिए मुझे सैड सॉन्ग सुनना पसंद है, या फिर मैं बचपन से सैड सॉन्ग सुनते आ रहा हूँ, मुझे हंसी कूद फालतू वालतू दारू वारू के सॉन्ग ऐसे पसंद नहीं है। और मैं जो भी सॉन्ग सुनता हूँ वो सारे सैड ही सुनता हूँ, क्योंकि सैड सॉन्ग को सुनना और कनेक्ट करना आसान होता है, और जो फास्ट रैप वगैरह होते हैं उन्हें मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो रही बात इसके सॉन्ग की, तो भाई इसने जो परफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा किया है, इसकी वॉइस वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो थोड़ा कम था यार, अगर क्योंकि सॉन्ग्स हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण ही हिट जाते हैं, अगर म्यूजिक नहीं होगा तो वो हिट नहीं जा सकते, क्योंकि इसके सॉन्ग में बस म्यूजिक की कमी लगी, बाकी इसका सॉन्ग 1 लेवल ऑसम लेवल का था। तो इसके बाद में नेक्स्ट की बात करूँ तो बॉबी रंधावा 3rd नंबर पे आते हैं, जिसने तन्हाई सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं इनके सॉन्ग को। इनकी ये बातों को भुला दूंगा सारियां, मेरी रहंदी तन्हाइयां नाले। बॉबी रंधावा इस पूरे हसल शो में एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने अभी तक नाचने कूदने वाला सॉन्ग नहीं प्रेजेंट किया है, ये हमेशा सैड सॉन्ग प्रेजेंट करता है, भाई पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, कुछ भी कहो इसके सॉन्ग मुझे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, और जब भी कनेक्ट होता हूँ तो मतलब ये मुझे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, और ये पता नहीं ऐसा लगता है कि ये खुद के बारे में नहीं हम सबके बारे में गा रहा है, जो भी इसको कनेक्ट करता है तो ऐसा लगता होगा कि भाई ये हाँ हम सबके बारे में गा रहा है, हम सबकी कहानी बता रहा है, ऐसा कुछ होता होगा जब इसके सॉन्ग्स को कोई सुनता होगा। आज पता लगा कि झूठियां ने आ रहीं। बॉबी रंधावा ने अपने इस सॉन्ग में लिखा है कि अज पता लगा मैनू किन्नी झूठी आ रही, भाई ये लाइन सुनते ही मेरी फेवरेट लाइन हो गई, क्योंकि भाई
इसको मैंने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया है अपनी लाइफ में, सबसे ज्यादा महसूस इस लाइन को ही किया होगा, क्योंकि कहीं भी चले जाओ सच्ची दोस्ती सच्ची यारियां कहीं नहीं है, चाहे वो कितने भी जिगरी हो, एक ना एक दिन अलग हो ही जाते हैं, सब साले आस्तीन के सांप है, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद में आते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर के आर्टिस्ट का नाम है 100 RBH, जिसने शैतान सॉन्ग प्रेजेंट किया है, तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। इंसानियत छोड़ देगा जल्दी, अलग हो जा मेरी आंख से, ना फिर आना तू मेरे दिमाग में, ऊपर वाले का मेरे को साथ है, ना मैं फंसने वाला तेरी बात में। 100 RBH के बारे में नया क्या बताऊं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भाई इसके बारे में नया क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि इस बंदे की आवाज में ही खौफ है। ये बंदा जब भी आता है स्टेज पे ऐसा लगता है जिसने किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी हो, इतना खौफ हो जाता है इसकी आवाज का मैं बता नहीं सकता। और इस बार तो इसने शैतान सॉन्ग प्रेजेंट किया है और इसमें दो रोल निभाए हैं, शैतान और इंसान का, जिसमें शैतान बोल रहा है कि भाई जब भी इंसान पैसा कमाता है तो वो एक शैतान की तरह ही बन जाता है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और इंसान बोल रहा है कि भाई मुझे डरने की जरूरत नहीं है शैतान से, क्योंकि मेरे पास भगवान है मेरे, वो मुझे बता लेते हैं शैतान से। तो दोनों को कंबाइन और दो रोल निभाना और दो वॉइस अलग अलग, ये भाई आसान बात नहीं है किसी भी रैप में। इसने शैतान की वॉइस निकाल के और इंसान की वॉइस में कन्वर्ट किया है, भाई ऑसम लेवल की परफॉर्मेंस लगी है मुझे, मुझे कहीं भी कमी नहीं लगी है, लेकिन जजेस को पता नहीं कहाँ कमी लगी कहाँ नहीं, इसको सबसे कम मार्क्स दिए गए थे, मुझे तो बहुत शानदार रैप लगा और होना भी चाहिए पता नहीं मुझे तो। लेकिन इसके बाद में बात करूँ तो फिफ्थ नंबर पे आते हैं पोइट साफ, जिसने आईना सॉन्ग प्रेजेंट किया, तो चलिए सुनते हैं उनके सॉन्ग को। मौत ले जाएगी जान जब शोक मत मनाना तब, बस खुद से एक फरियाद इस शोक स्वप्न लोक से हम दूर ना हो, ये लिखा भी गाया भी सुन। पोइट साफ के हर सॉन्ग को कनेक्ट करना आसान है, क्योंकि ये भी साइलेंट सॉन्ग ज्यादा गाते हैं और इतने मतलब लिरिक्स में वर्ड्स को आराम से धीरे धीरे रैप्स को धीरे धीरे गाते हैं, है ना। और उसके अलावा बात करूँ तो ये सॉन्ग बहुत अलग लेवल का सॉन्ग है भाई, इसमें जो दर्द है वो हर किसी को नहीं दिख सकता, जो इस सॉन्ग को देखता है एपिसोड्स को पूरा देखता है उनको पता होगा कि पोइट साफ ने ये सॉन्ग आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना इसने बंदे ने, उसके बाद में ये सॉन्ग लिखा था, जब आत्महत्या करने की कोशिश की थी और बच गया था ये तुक्के से, उसके बाद में ये सॉन्ग बैठ के लिखा था इसने, और आज ये इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया है, तो भाई ऑसम, भाई ऑसम लेवल है भाई। इसके अलावा मैं किसी सॉन्ग को सुनने मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता, जब बंदे ने इतना हौसला जुटा के ये सॉन्ग लिखा है तो किसी और सॉन्ग को सुनना ही क्यों है भाई, इसके सॉन्ग की बात कर रहा हूँ ना कि और किसी सॉन्ग की। तो भाई मुझे बहुत पसंद आया, मेरे खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा सॉन्ग था। तो इसके बाद में बात करें तो सिक्स नंबर पे आते हैं सैडी मेलो, जो कि आसाम से है, तो चलिए सुनते हैं उनको सॉन्ग को। सैडी मेलो हर बार साइलेंस सॉन्ग आते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं इस बंदे क्या चूल लगी, जो मतलब फास्ट रैप को एक्सेप्ट किया और फास्ट रैप प्रेजेंट किया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसको सबसे कम पॉइंट इसी सॉन्ग में मिले और पहली बार इसने फास्ट रैप प्रेजेंट किया है। तो भाई मुझे इस सॉन्ग में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, और सॉन्ग के बारे में बताऊँ तो इसने सारे जो परफॉर्मर है हसल के सारे आर्टिस्ट है उनके सभी के बारे में बताया कि किसने कैसा प्रेजेंट किया है, किसने कौन सा सॉन्ग लिखा है, किसने कौन सी बेटर लाइन लिखी है, तो सभी के बारे में हम जैसे रोस्ट करते हैं ना गानों में, वैसे इसने सभी की तारीफ की है, जिस जो कि इससे आसानी से हुई नहीं, और ये चीज़ें आसानी से होती भी नहीं है भाई हर किसी से। इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इसने फास्ट रैप में हाथ डाल दिया फालतू में, इसके ऊपर साइलेंस अच्छे लगते हैं भाई, साइलेंस सॉन्ग जिसके ऊपर साइलेंस सॉन्ग अच्छे लगते हैं वो साइलेंस ही गाएगा ना यार, अब हनी सिंह रोने धोने के गाने बना देगा तो हमें थोड़ी पसंद आएगा। तो इसलिए मुझे इसका सॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और मैं इससे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इसके बाद में बात करें तो सेवंथ नंबर पे आते हैं मरनाल शंकर, जिसने किल डैम सॉन्ग प्रेजेंट किया, तो चलिए सुनते हैं इनके सॉन्ग को। मैंने हियर टू स्टैंड अप टू लेगेसी दी बहुत अपॉर्चुनिटीज आई नेवर सीन, सो मेरे मोड है सो मेरी एनर्जी शो मैं आई एम फॉलिंग टू द टॉप आई एम सेटिंग बी स्लोली अगर बॉय बी बैट इन द एग। मरनाल शंकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है फास्ट रैप या फिर हार्ड रैप करना, लेकिन इस बार इसने गोस्ट के लिरिक्स को प्रेजेंट किया है, जो बंदा भाई एक वर्ड हिंदी दूसरा वर्ड इंग्लिश तीसरा वर्ड हिंदी चौथा वर्ड इंग्लिश बहुत फास्ट रैप करता है, और भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों हिंदी इंग्लिश भाई दोनों मतलब क्या बताऊँ भाई, उसके लिरिक्स को समझने के लिए मुझे 2 से 3 बार उसके सॉन्ग को सुनना पड़ता है, उसके अलावा मुझे एक बार में उसके सॉन्ग सुनने या फिर समझने में बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मरनाल शंकर ने उसके सॉन्ग को प्रेजेंट किया है, उसके लिरिक्स को प्रेजेंट किया, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है और उसके लिए
बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक वाइब वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इसमें कोई कमी नहीं थी। और जो इसके लिरिक्स थे वो तो मुझे कम पल्ले पड़े हैं, मैं तो बता दूँ साफ साफ, लेकिन अच्छा लगा भाई, जितना समझ में आया मुझे बेटर से बहुत बेटर लगा, अच्छे से बहुत अच्छा लगा इसका सॉन्ग। एक तो होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, तो इसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। अगर अब बात करें लास्ट में, तो इस वीक में सफ़र ख़त्म होता है सैडी मिलो का, सैडी मिलो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब बता दूं कि मतलब यार बंदा अच्छा था, सैड सॉन्ग गा रहा था आराम से, लेकिन उसने फालतू में फास्ट रैप में अपना हाथ लिया और कंपटीशन से बाहर हो गया। तो नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कौन बाहर जाता है और कौन अंदर रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के वेट कीजिए, बाय। आजकल में ए मेरी कमाल तन्हाइयां नाल यारियां कई छड़ गए ने, कईयां ने ता खिचियां तैयारियां।